हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रमोद आर्या। अभी मैं गांव में हूँ और गांव से किसी गांव में जा रहा हूँ, तो सर्दी बहुत है। यहाँ देख सकते हैं सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। ये देख सकते हैं बहुत ज्यादा कोहरा है और अभी जो टाइम हो रहा है वो 11 बज रहे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं 11 बजे के आसपास वो इतना कोहरा है तो सर्दी का अंदाजा लगा सकते हैं। 2 दिन से बिल्कुल धूप नहीं निकली है, धूप का नामो निशान नहीं है। सामने का नजारा देख सकते हैं ऐसा कुछ है, लोग बिल्कुल पैक होके निकल रहे हैं घर से। गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं तो राहत है, बाइक पे सर्दी के मौसम में निकलना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मजा आ रहा है हम लोगों को एक सफर करने में। खासकर फॉग में गाड़ी थोड़ी धीरे चलानी पड़ती है और खासकर इंडिकेटर देखे, सामने बहुत कम दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा धीरे भी चलानी पड़ती है। तो ऐसा है सर्द मौसम का नजारा, सर्दियों का नजारा, सर्दी के बाद ही कुछ अलग होती है। मैं सहमत हूँ। अभी हम रास्ते से गुजर रहे थे तभी एक प्राचीन मंदिर हमें देखने को मिला जिसे हनुमान गढ़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन मंदिर है और अभी मंदिर का जो प्रवेश द्वार है गेट है बंद है और यह है यहाँ की यज्ञशाला, यहाँ यज्ञ वगैरह होते हैं। ये एक टीले टाइप पर बना हुआ मंदिर है और काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है। और देख सकते हैं इसके मंदिर के चारों तरफ खेती हो रही है, ये बहुत सारे आलू की खेती हो रही है उधर। और ठीक मंदिर के पीछे इधर ये गौशाला है। और ये सामने हनुमान जी का मंदिर है, ये भी फिलहाल बंद है। वैसे यहाँ की काफ़ी मान्यता है, इसे हनुमान गढ़ी मंदिर कहा जाता है, खासकर इसलिए कि कभी यहाँ हनुमान जी आए थे, गंगा स्नान के लिए गए थे। यहाँ से एक जगह है रामघाट, यहाँ से पास में मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ जाते हैं काफ़ी लोग, तो ऐसा माना जाता है कभी आए होंगे, ऐसी मान्यता है। और एक अत्र मुनि ऋषि जो एक अत्रौली शहर है जिसका मैं हूँ, तो उसका नाम भी इसी वजह से पड़ा है क्योंकि कभी अत्र मुनि ऋषि आए थे यहाँ पर और ठहरे थे कुछ दिनों, तो ऐसा माना जाता है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और काफ़ी सुंदर मंदिर है, ये मंदिर काफ़ी पुराना है, आप देख सकते हैं इस मंदिर के भवन से अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी पुराना मंदिर है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। कई दिन से हमारे यहाँ धूप बिल्कुल नहीं निकली,